बड़ी कोई नहीं है वो, ये मेरे को मारा इसलिए उनने कमरे बचाने के लाने कमरे। अच्छा अच्छा अच्छा, अंदर ये सेक्सी बाबा है, सेक्सी बाबा ये शीशा बना के सेक्सी बाबा। देखो बंद कर दिया को, शीशा हूँ मैं, का शीशा क्या करेगा शीशा बाबा, बात कर रहा हूँ तो भाई शीशा चाचा बात कर रहा हूँ, शीशा ये शीशा है घर हाँ मेडिकल करा का शीशा का, महिला को देख लो ना इसकी जिंदगी खराब कर। अच्छा चलो वीडियो देख लिया आपने, ये बाबा हैं जो कि कथावाचक हैं, जितेंद्र महाराज इनका नाम है और इनकी एक करतूत पकड़ी गई है और इनको इनकी ही पत्नी ने पकड़ लिया। महाराज जी का ये वीडियो मध्य प्रदेश के शाजापुर का है। महाराज जी खुद को कथावाचक कहते हैं, इनकी जो शिष्य हैं वो घर आ जाती हैं और बंद कमरे में लॉक करके कमरा उनको ये सिखाते हैं, कथा सुनाते हैं, कथावाचक ये बाबा जी हैं। लेकिन बाबा जी की आई थी शामत, तो बाबा जी की जो पत्नी थी वो पुलिस को लेकर पहुंच गई, रक्षाबंधन पर पत्नी घर गई हुई थी और बाबा जी एक महिला के साथ पकड़े गए। पत्नी को कहीं से खबर मिली और पत्नी ने फौरन पुलिस को इत्तला की और पुलिस को इत्तला करने के बाद पत्नी पुलिस समेत घर पहुंच गई और जब घर पहुंची तो कहानी कुछ अलग ही थी। ये बाबा जी पुलिस के सामने किस तरह से बचते हुए नजर आ रहे हैं और जो महिला इनके साथ पकड़ी गई है वो कह रही है कि मैं शिष्य हूं, मैं तो कथा सुनने के लिए आई थी। एक बार फिर से देखिए वीडियो पूरा। ये मेरे को मारा इसलिए उनने कमरे बचाने के लाने कमरे। अच्छा अच्छा अच्छा, अंदर ये सेक्सी बाबा है, सेक्सी बाबा बंद किया, ये शीशा बना के सेक्सी बाबा। देखो बंद कर दिया को, शीशा क्या करेगा शीशा बाबा, बात कर रहा हूँ तो भाई चाचा बात कर रहा हूँ, शीशा ये शीशा है घर हाँ मेडिकल करा का शीशा का, महिला को देख लो ना इसकी जिंदगी खराब कर। अच्छा चलो, तो इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से इस वक्त ये खबर सामने आई है और जो वीडियो सामने आया है उसमें खुलासा हुआ है एक और ढोंगी बाबा का। ये बाबा किस तरह से कथा के नाम पर घिनौने काम अंजाम दे रहा था और अब इस बाबा का पर्दाफाश हो चुका है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि इस तरह के जो ढोंगी और फरेबी बाबा हैं इनका पर्दाफाश हो सके। तो आज के इस वीडियो का मकसद आपको इसी तमाम तरह की जो चीजें हैं उनसे आगाह कराना है कि इस तरह के ढोंगी बाबाओं से जरा सावधान रहिए और सिर्फ सावधान ही मत रहिए, इस तरह के बाबाओं पर नजर रखिए और नजर रखने के साथ साथ पास के पुलिस थाने को इत्तला जरूर दीजिए। अगर कहीं कथा चल रही है तो उसकी नॉलेज पुलिस को जरूर दे दीजिए आप, क्योंकि पुलिस के संज्ञान में होना चाहिए कि कहां कथा चल रही है, क्योंकि पुलिस जरा जांच पड़ताल तो कर ले कि कहीं कथा ही चल रही है या कथा के नाम पर इस तरह के बाबा घिनौने कामों को अंजाम दे रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।